चॉकलेट ट्रैक्टर। एक गांव में एक बेकरी था, उसका मालिक बहुत कंजूस था। वहां पर बबलू नाम का एक गरीब बच्चा काम करता था। मालिक उसे बहुत काम करवा के ठीक से पैसे भी नहीं देता था। गरीब बच्चे आए तो मर्यादा के बिना बात करता था। एक दिन एक गरीब बच्ची उस बेकरी में आई। मुझे चॉकलेट केक खाने का मन कर रहा है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है, कृपया करके एक दोगे क्या अंकल? कौन है रे तुम्हारे अंकल? दरिंदर कहीं की, पैसे नहीं है मगर चॉकलेट केक चाहिए, चॉकलेट केक, जाओ जाओ यहाँ से, सुबह सुबह आ गई दरिंदर कहीं की, कहकर उसे गालियाँ दिया। रोते हुए बेकरी के सामने एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। ये सब देखकर बबलू को बहुत दुख हुआ। मालिक बाहर जाने के बाद वो एक चॉकलेट केक लेकर उस बच्ची के पास जाकर उसे दिया। तब वो बच्ची ने केक लेकर खाई। अरे वाह, बहुत बढ़िया है, मुझे क्यों चॉकलेट केक बहुत अच्छा लगता है, मगर उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। थैंक यू फ्रेंड। मगर तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा नाम मंगली है, मेरा घर गांव के बाहर गुफा के पास रहता है। मुझे केक दिया ना, अगर तुम्हारे मालिक को पता चला तो वो कुछ नहीं करेगा क्या? क्यों नहीं कहेगा, मैं कुछ ना कुछ करूँगा, मगर तुम अब इस तरह मत आना। अगर तुम्हें चाहिए तो रोज तुम्हें एक चॉकलेट केक लाकर देता हूँ, अभी तो तुम चली जाओ। फिर वैसे ही वो हर रोज एक केक लाकर मंगली को देता था। वैसे ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन वो बच्ची दुखी से बैठी हुई थी। क्या हुआ मंगली, क्यों इतना डल हो, क्या हुआ तुम्हें? कल मेरा जन्मदिन है, केक काटेंगे सोचा तो उतना बड़ा केक कैसे मिलेगा, इसलिए दिल में बहुत दुख हो रहा है फ्रेंड। सच में मंगली, अगर छोटा सा एक केक है तो लाकर दे सकता हूँ, मगर उतना बड़ा केक मैं कैसे लाऊंगा, तुम अब घर जाओ, अंधेरा होने वाला है। फिर मंगली वहाँ से चली गई। बेचारी मंगली को केक क्यों, और भी स्पेशल कुछ करके दूंगा, मेरे मालिक कुछ भी करने दो, लेकिन मेरी फ्रेंड को खुश करना है मुझे, सोचा। फिर वैसे ही बेकरी में पूरे चॉकलेट्स को चुरा कर एक मिनी चॉकलेट ट्रैक्टर तैयार किया। फिर उसको लेकर गांव के बाहर एक पहाड़ के गुफे के पास आया। वहां देखा तो कोई भी नहीं दिखाई दिया। मंगली, मंगली कहकर जोर से चिल्लाया और फिर उस ट्रैक्टर को लेकर गुफे के अंदर गया। वो अंदर जाते ही एक बड़ा पत्थर से गुफा का दरवाजा बंद हो गया। तब बबलू पीछे देखकर डर गया। फिर ट्रैक्टर से उतरकर उस पत्थर को धकेलते हुए, ये क्या है, ऐसा हो गया, मुझे बाहर जाना है, कहकर रोने लगा। तभी वहाँ पर दो राक्षस प्रकट हुए। उनको देखकर बबलू और भी डर गया। मुझे कुछ भी मत कीजिए, आपको हाथ जोड़ता हूँ, मेरी दोस्त मंगली को ढूंढते हुए जाने बिना यहाँ पर आया हूँ। डरो मत बबलू, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, मत रो। मेरा नाम आपको कैसा पता है, असल में आप लोग कौन हो? हम मंगली के माँ पिता है बेटा। बेटी मंगली, तुम्हारे लिए तुम्हारा फ्रेंड आया है, एक बार इधर आओ। तब राक्षस रूप में मंगली वहाँ आई। उसको देखकर बबलू हैरान हो गया। बेटा बबलू, हमारी बेटी को चॉकलेट बहुत पसंद है, मगर वो हमें नहीं मिलता है ना, हमारे पास ढेर सारे पैसे हैं, मगर वो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए हमें कहे बिना बेकरी के पास आती थी। तुम्हारे अच्छे मन के बारे में उसने बहुत बार बताया, आज उसका जन्मदिन है, इंसान से खतरा है कहकर हमने उसे बाहर भेजना बंद कर दिया। हमारे पास जितना पैसा है पूरा लेकर जाओ, मगर उसको हर रोज चॉकलेट लाकर देते रहना बेटा। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मंगली, इस चॉकलेट ट्रैक्टर को तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। हाँ आंटी, जरूर मैं वैसे ही लाकर उसको दूंगा। तब मंगली ने चॉकलेट ट्रैक्टर से चॉकलेट को तोड़कर खाई और बहुत खुश हो गई। बाद में बबलू उनका दिया हुआ पैसों को ट्रैक्टर में डालकर वहाँ से चला गया। गाँव में सब लोग उसे देख कर हैरान हो गए। वैसे ही हर रोज बबलू चॉकलेट ट्रैक्टर में चॉकलेट भरता था और गुफा के पास जाकर मंगली को देकर उसके साथ दोस्ती जारी रखा।